जमान मेरा दोस्त जो गुज़िश्ता साल से मेरा साथी था, वो शहर अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था। उसने जाते हुए मुझे भी चलने की दावत दी, मगर मैंने अपनी तबीयत में गरानी महसूस करके उसका साथ देने से इनकार कर दिया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे बानों के बारे में सोचने लगा। उसका पुरखलूस मुस्कुराता हुआ चेहरा तसव्वुर की दुनिया आबाद करने लगा और इसके साथ ही मेरे सख्त गिर और हरीस तबीयत के मालिक मामू का चेहरा भी उभरा। मरते वक्त जिनकी सरपरस्ती में देखकर मुझे वालदैन मौत की भयानक सरजमीन के बासी बन चुके थे, सख्तगीर मामू बे औलाद होने की वजह से मेरे वालदैन की छोड़ी हुई जायदाद अकेला हड़प करने की फिक्र में रहते और आए दिन तरह तरह की साजिशें करते रहते। मैं उन दिनों 22 साल का हो चुका था। मेरे मामू ने मेरे कत्ल की साजिश की, जिसकी मुझे बर वक्त खबर हो गई। मैंने इस साजिश से बेखबर होकर अपनी और मामू, जो कि बूढ़े आदमी थे और कब्र में पांव लटकाए बैठे थे, उनके नज़दीक मेरी कोई हैसियत ना थी। वो मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहे थे, हालांकि मैं अपने ख़ानदान का आखिरी वाहिद फ़र्द था जो कि उनके बुरे भले में काम आ सकता था। मगर किसी ने सच कहा है कि हवस इंसान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है, और मेरा ख्याल था कि मेरे मामू भी अपने आप को बड़ी तेज़ी से तबाही के रास्ते की तरफ धकेल रहे थे। फिर मैंने कुछ सोच कर इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दिया कि मेरे मामू मुझे अपनी राह का पत्थर समझकर मुझे ठिकाने लगाने के चक्कर में हवेली के मुलाजिमों से सास पास कर ली थी, सिवाय एक बूढ़े माली सलीम बाबा के। बाकी तमाम लोग मेरी जान के दुश्मन थे। बाबा 70 साल से ऊपर के थे, उनकी बीवी को गुजरे 40 साल गुजर चुके थे। उन्होंने मेरे वालिद को अपनी गोद में खिलाया था और मुझे भी। सिर्फ वही ऐसे थे जो मेरे सच्चे हमदर्द थे। एक दिन उन्होंने मुझे मेरे कत्ल की साजिश से आगाह करते हुए कुछ जेवरात लाकर दिए और मुझे रानीपुर से चले जाने को कहा। मैंने इन जेवरात को लेते हुए पूछा, सलीम बाबा ये जेवरात किसके हैं और इतने कीमती जेवरात आपको कहाँ से मिले? मेरे सवाल के जवाब में उनके चेहरे पर लातादाद साए फैल गए, फिर एक सर्द आह भर के कहने लगे, मेरे पास गुज़िश्ता 50 साल से किसी की अमानत पड़े हैं। अमानत रखने वाला 50 साल के अरसे में एक बार भी नहीं आया। इतना तवील अरसा इनकी हिफाजत के सिले में मुझे यह हक पहुँचता है कि उन्हें जिस तरह चाहूँ इस्तेमाल करूँ, और मैं तुम्हें इसका सही हकदार समझता हूँ, इसलिए इन्हें तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ और साथ ही ये नसीहत कर रहा हूँ, चाहे तुम कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ और ख़ुद को कितने ही ताकतवर क्यों ना महसूस करो, अपनी ज़िंदगी में अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूँ कि उनसे रब्ता ना करने की सूरत में तुम करोड़ों की जायदाद से हाथ धो लोगे। जाओ मेरे बच्चे, किसी दूर दराज इलाके में जाकर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। और एक बार फिर ताकीद कर रहा हूँ, कभी भूल कर भी अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना, इसी में तुम्हारी ज़िंदगी की भलाई है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी अश्क बार आँखों से कहा, जाओ मेरे अजीज बच्चे, खुदा तुम पर हमेशा अमन और सलामती का साया रखे। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, बाशऊर था, बुजदिल नहीं था जो मौत के खौफ से भागकर सारी ज़िंदगी के लिए खुद को जिला वतन करने पर आमादा हो जाता। मगर मैं सलीम बाबा का कहना ना टाल सका और खामोशी से रानीपुर से चला आया। और फिर मेरी मुलाकात जमाल से हुई। पहली ही मुलाकात में मैंने अपनी ज़ात के लिए उसमें बेपनाह खुलूस महसूस किया और बहुत जल्द हम गहरे दोस्त बन गए। जमाल एक खुशहाल घराने का इंसान था। कराची में उसका एक 4-स्टार होटल था। इसकी दोस्ती ने रूहानी तौर पर मुझे तकवीत दी। ऐसे आलम में जबकि मैं दुनिया में तन्हा था, जमाल की पुरखलूस ज़ात ने तन्हाई के ज़ख्म पर दोस्ती का मरहम रख दिया। और फिर जब उसे पता चला कि मैं एक होटल में रिहाइश पजीर हूँ, तो वो ज़बरदस्ती इसरार करके मुझे अपने घर ले आया। मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया गया। फिर वहीं मेरी मुलाकात बानो से हुई। बानो जमाल की चचाजाद बहन थी और उसके अखलाक व हुस्न का मैं गर्विदा हो गया। और रफ्ता रफ्ता हम दोनों मोहब्बत का शिकार हो गए। और फिर जमाल की तजुर्बाकार निगाहों से हमारे जज्बे पोशीदा ना रह सके। मैं ये जान चुका था कि जमाल खुद भी यही चाहता था। उसने हमारी मोहब्बत का खैर मकदम किया और हम दोनों एक छोटी सी तकरीब में रिश्ते इज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 1 साल पलक झपकते ही गुजर गया। मैंने कराची में एक स्टोर खोल लिया था जिससे हमें माकूल आमदनी हो जाती थी। ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। 1 साल बाद खुदा ने मुझे एक प्यारी सी बच्ची का बाप बना दिया, जिसकी आमद से ज़िंदगी की खुशियों में इजाफा हो गया। एक दिन मैं अपने ज़रूरी कागजात तलाश कर रहा था कि कागजात के नीचे से जेवरात की थैली नजर आई, जिसे मैं तकरीबन भूल चुका था और आज तक इसे खोलने की कभी ज़रूरत ही पेश ना आई थी। जब मैं उसे हाथों से पकड़े खड़ा सोच रहा था कि इसका क्या करूँ, अचानक पुष्प पर मैंने किसी के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ सुनकर मुड़ना चाहा तो देखा बानो मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक बानो को सामने पाकर ख्याल आया कि क्यों ना ये जेवरात बानो को गिफ्ट कर दूं, तो इसे खुशी होगी, क्योंकि जेवरात हमेशा से औरत की कमजोरी रही है।
अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी तमाम कहानियाँ आपको सबसे पहले सुनने को मिलें। चुनाचे इसी ख्याल के तहत मैंने जेवरात की थैली मेज पर उलट दी। मानो अचानक इन बेशकीमत जेवरात को देखकर हैरत से गूंग रह गई। इसने बौखलाए हुए लहजे में पूछा, तुमने ये जेवरात कहाँ से हासिल किए हैं? ये तो किसी शाही खानदान के लगते हैं, ये हमारी खानदानी यादगार है, मैंने बात बनाई। बानो इन जेवरात को पाकर बहुत खुश थी। चंद मिनट वो इन्हें हैरत और मुसरत भरी निगाह से देखती रही, फिर एक नेकलेस निकाल कर गले में पहन लिया। नेकलेस इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उसने पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? नेकलेस इसकी सुराहीदार गर्दन में खूबसूरत लग रहा था और मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि आज तक क्यों मैंने इन जेवरात को बानो की नज़रों से दूर रखा, जबकि एक नेकलेस की वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए थे। अभी मैं इस नेकलेस को बानो की खूबसूरत गर्दन में पहने हुए तारीफी नज़रों से देख रहा था कि अचानक मुलाजमा की चीखती हुई आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। हम दोनों आगे पीछे भागते हुए राहदारी की जानिब लपके, जहाँ मुलाजमा जख्मी हालत में खून में लथपथ बच्ची हाथ में उठाए लड़खड़ाती हुई हमारी तरफ आ रही थी। हम दोनों मुलाजमा को इस हालत में देखकर ठिटक गए। मुलाजमा और बच्ची दोनों खून में नहाए हुए थे। बानो चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी और बेताबी से इस जख्मी बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। बच्ची के साकित जिस्म को देखकर मैं अंदाजा लगा चुका था कि हमारी बच्ची हमसे बहुत दूर जा चुकी है। बच्ची हाथ से निकलते ही मुलाजमा जमीन पर गिर पड़ी और आवाज निकाले बगैर दुनिया की उलझनों से निजात पा गई। मैं इस हौलनाक मंजर को देखकर सकते के आलम में खड़ा बुत बनकर रह गया। फिर अचानक बानो की चीखें सुनकर मेरा सकता टूटा। मैं ठहरे हुए बोझिल कदमों के साथ बानो के करीब पहुंचा और हाथ बढ़ाकर बच्ची की लाश को लेना चाहा, मगर बानो ने बड़े वहशियाना अंदाज में मुर्दा बच्ची को सीने से लगा लिया और हिजियानी अंदाज में चीखती रही और चीखते चीखते मुलाजमा की तरह गिर कर बेहोश हो गई। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही नया अलमनाक इंकशाफ किया कि मुलाजमा और बच्ची की तरह बानो भी सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और बेहोशी की हालत में इस जहान पानी से कूच कर गई। इतनी देर में जमाल को इस सानी की इतला दे दी गई। मैं देर तक इसके शाने पर सर रख कर रोता रहा। बानो और बच्ची की अचानक मौत से सारा निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया था। इस सानह ने मेरे जिस्म से तवानाई छीन ली थी। पुलिस के अलावा ज़ाती तौर पर मैंने भी इस अलमनाक हादसे की पूरी तहकीक करने की कोशिश की, मगर किसी तरह भी इस राज से पर्दा ना उठ सका कि मेरी मुलाजमा और मेरी बच्ची की मौत के क्या असबाब थे और किन हालात में उन्हें मौत ने दबोच लिया, मगर कोई नतीजा बरामद ना हो सका। इस हादसे को चार माह गुजर गए। एक दिन जमाल आया। इसका चेहरा मामूल से ज़्यादा चमक रहा था। उसने इंकशाफ किया कि उसके दूर के चाचा मरते हुए उसे एक वसी जायदाद का मालिक बना गए थे और अब वो मुझे लेकर वर्ल्ड टूर पर जाएगा। तुम अभी तैयारी शुरू कर दो, ये कहकर इसने बड़े बड़े नोटों की एक गड्डी मेरे हाथों में पकड़ा दी। मैंने नरमी से उसे समझाया, देखो अगर कुदरत ने तुम्हें एक बड़ी जायदाद का मालिक बना दिया है तो उसे ज़ाया ना करो। मैंने कहा, मैं इस वक्त तुमसे तकरीर सुनने नहीं आया हूँ, अपना प्रोग्राम बताने आया हूँ। हम आज से 20 दिन बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगा और ना मानूंगा, उसने सख्ती से कहा। खैर देखा जाएगा, मैंने लापरवाही से बात टाल दी। मेरे दिल में अभी तक इस बात की कुरेद लगी हुई थी कि आखिर बच्ची और मुलाजमा कैसे जख्मी हुई थी, और बानो के बारे में तो कहा जा सकता था कि वो अचानक बच्ची की मौत का सदमा ना सह सकी और गुजर गई। ऐसे परेशान कुन हालात से उलझते रहने वाला इंसान किसी तफरी में भला क्या हिस्सा ले सकता है। जमाल बैंकॉक के लिए सीट बुक करवा चुका था। उसके प्रोग्राम के मुताबिक हमें इस सफर पर रवाना होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे कि एक दिन कोरियर के जरिए मुझे एक खत मौसूल हुआ। मैंने तजस्सुस से खत खोला और पढ़ने लगा। बेटे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, मेरा ये खत जब तुमको मौसूल होगा तो तुम इस खत को पढ़कर हैरान जरूर होगे, मगर नहीं, शायद तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं होगा कि मैं तुमसे सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ अभी भी हमेशा रूहानी तौर पर तुम्हारे करीब रहा हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इन दिनों तुम परेशान और उदास हो। खुदा गवाह है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें परेशानियों से बचा लेता, मगर बेटे तुम्हारे दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हैं। इस वक्त तुम जिस हाल में हो और जैसे भी हो, फौरन मेरे पास चले आओ ताकि मैं तुम्हें इस खतरनाक खतरे से आगाह कर सकूं जो कि इन दिनों तुम्हारी ज़िंदगी पर अपना मनहूस साया डाल रहा है। फ़कत तुम्हारा हमदर्द। खत ख़त्म हो गया। खत को लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था, मगर जिस अंदाज से इसने मेरे माजी के छुपे हुए गोशे की नकाब कुशाई की थी, इसने मुझे आगाह कर लिया था कि इस खत को लिखने वाला सलीम बाबा के अलावा और कोई नहीं। इस दौरान जमाल भी आ गया। मैंने उससे कहा, तुम बैंकॉक के टूर कैंसिल करके मेरे साथ रानीपुर चलो। बड़ी मुश्किलों से वो रानीपुर जाने पर राजी हुआ था।
दूसरे दिन हम दोनों बैंकॉक जाने के बजाय रानीपुर आ गए। एक तवील मुद्दत के बाद जब मैं जमाल के साथ रानीपुर की सरजमीन पर कदम रख रहा था तो मेरे दिल की अजीब हालत थी। हमने एक करीबी होटल में अपना सामान रखा और सफर की थकान उतारने के लिए बिस्तर पर दराज हो गए। सुपहर के 3 बज रहे थे कि अचानक दरवाजे पर किसी की मुसलसल दस्तक सुनकर मेरी आंख खुल गई। जमाल बदस्तूर गहरी नींद सो रहा था। मैं उलझन में पड़ गया कि इस वक्त दस्तक देने वाला कौन हो सकता है। चंद लम्हों बाद मैंने दरवाजा खोला तो हैरत और मुसरत से मेरा मुंह खुला रह गया। सलीम बाबा मेरी आंखों के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। सलीम बाबा, मैंने हैरत से चीखते हुए कहा और लपक कर उनके गले लग गया। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रानीपुर में पहुँच गया हूँ? जवाब में सलीम बाबा के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगे, बेटा शायद मुझे तुम्हारे खून की खुशबू यहाँ तक खींच लाई है। मेरा जिस्म बूढ़ा हो चुका है मगर अभी तक मैं इतनी ताकत ज़रूर रखता हूँ कि अपने मालिक का इस्तकबाल कर सकूँ। मगर ये बताओ, इतने अरसे तुम कैसे रहे? बहुत निढाल नज़र आ रहे हो, क्या बीमार रहे हो? ये सारी गुफ्तगू दरवाजे में खड़े खड़े जारी थी कि मेरे उकब में जमाल ने अपनी मौजूदगी से आगाह करते हुए कहा, तुम इन बुजुर्गों को अंदर आने का नहीं कहोगे क्या? ओह, मैं एकदम चौंका। माफ़ करना बाबा, इतने अरसे के बाद आपको सामने पाकर अपने आप पर काबू नहीं रहा और अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। चंद लम्हे बाद जब हम चाय पी रहे थे, सलीम बाबा कह रहे थे, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने आपको अपने से जुदा करके बहुत ज्यादती की है। मगर मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते तुम्हारा मामू शैतान का पैरोकार है। अगर तुम यहाँ उसकी आंखों के सामने रहते तो शायद वो तुम्हें अब तक मौत के घाट उतार चुका होता। मगर बेटे, मुझे ये बताओ कि क्या वो जेवरात अभी तक तुम्हारे पास महफूज हैं? हाँ बाबा, मैंने जवाब दिया, मगर वो मेरे लिए मनहूस साबित हुए। इन जेवरात में से एक नेकलेस मेरी बीवी ने अपने गले में डाला। मेरे घर में आनंद फानंद 3 जाने जाया हो गईं। मैंने सदमे से कहा, हाँ मेरे बच्चे। सलीम बाबा ने सर्द आँख खींचते हुए कहा, मुझे इन तमाम बातों का इल्म है, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। तो क्या आपको इन तमाम वाकयात का इल्म पहले से था जिनकी वजह से मेरी बच्ची और बीवी और मुलाजमा की जानें ज़ाया हो गईं? मैंने सदमे से कहा, बदकिस्मती से मुझे इसका इल्म था मगर मैं इस वक्त को नहीं टाल सकता था। अब इसको सिर्फ एक ही हस्ती ख़त्म कर सकती है, वो है नवाबजादी शमा। सलीम बाबा ने इंकिशाफ किया, मगर ये शमा कौन है और ये क्या सिलसिला है? आप खुलकर एक ही मर्तबा मुझे क्यों नहीं बता देते? मैंने नाराज़गी से कहा, अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं। मगर वो वक्त अब बहुत जल्द आ रहा है जब तुम पर कुछ इंकशाफात होंगे कि तुम्हारी ख़ानदानी अमवात का क्या सबब है, ऐसा क्यों हुआ, वो पस पर्दा शैतानी कुव्वत कौन है जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। सलीम बाबा की बातें सुनकर मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। सलीम बाबा जा चुके थे मगर मैं सोचों के भंवर में डूबा हुआ माजी की यादों को कुरेद रहा था। शाम को मैं और जमाल शहर की तरफ निकले। रास्ते में जमाल कहने लगा, क्या तुम अपनी हवेली की जानिब नहीं जाओगे? दिल तो बहुत चाहता है कि पहले हवेली जाऊं। सलीम बाबा के मुताबिक हालात बहुत संगीन हैं, वहां कदम कदम पर एहतियात की ज़रूरत है। मैंने जवाब दिया, खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। जमाल ने कहा, मगर ये नहीं हो सकता कि मैं अकेले वहां जाकर वहां की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँ, वैसे भी मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मेरा ख्याल है कि एक दो रोज़ रुक जाओ, मैं सलीम बाबा से बग़ैर मशवरे के तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने उसे नरमी से समझाया। तकरीबन 2 घंटे तक हम पैदल रानीपुर की गली कूचों में घूमते रहे। बचपन की यादें दिल में बेबसी के जख्मों को गहरा करती रहीं। वापसी में अपने वजूद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। चलते चलते एक जगह मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे अब मुझसे चंद कदम भी नहीं चला जाएगा। हम लोग बमुश्किल अपने कमरे तक पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। मुझे अपने हाथ पांव हरकत से महरूम होते हुए महसूस हो रहे थे। जमाल अचानक मेरी तबीयत देखकर घबरा गया और पूछने लगा कि तुम्हें क्या होता जा रहा है। मैंने बमुश्किल अपने हवास कायम रखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है, मुझे आराम से बिस्तर पर लिटा दो और किसी डॉक्टर को बुलाओ। जमाल ने खामोशी से मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और काउंटर क्लर्क की तरफ भागा ताकि फ़ोन करके किसी डॉक्टर को बुला सके। मगर डॉक्टर के आने तक मुझ पर गहरी बेहोशी तारी हो चुकी थी। जब मेरा शऊर बेदार हुआ तो मैं खुद को बेहद कमज़ोर पा रहा था। चंद लम्हे पहले आंखें खोलकर हैरान और परेशान नज़रों से कमरे के दरो दीवार को तकता रहा, फिर अचानक अद्वियात की मानूस खुशबू ने मुझे चौंका दिया और मुझे याद आया कि ये वो कमरा नहीं है जिसमें मैं बेहोश होने से पहले बिस्तर पर लेटा था। 0 पावर के बल्ब की मलगुजी रोशनी में दीवारों पर खौफनाक साए रक्स करते दिखाई दे रहे थे और मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये साए मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। मैंने घबराकर दोबारा आंखें बंद कर ली। फिर अचानक जब मेरी आंख खुली
तो मुझे अपना वजूद पहले से ज्यादा कमजोर महसूस हुआ। मेरा जिस्म किसी नामालूम बीमारी की वजह से घुलता जा रहा था और दिन का अक्सर वक्त नकाहत आमेज बेहोशी में गुजर जाता। एक तवील वक्फे के बाद होश आया तो मेरी धुंधलाई हुई नजरों ने जमाल को अपने बेड के करीब पाया। उसने पुरखलूस नजरों से देखते हुए एक हाथ मेरे शाने पर रख दिया। मैंने कुछ कहना चाहा मगर यूं लगा जैसे कुव्वत गोयाई सल्ब होकर रह गई है। बमुश्किल इतना ही कह सका कि जमाल तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशान होना पड़ा। मैं शायद अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में इसे कुछ और भी कहता मगर उसने मुझे टोकते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है। तुम इस वक्त मेरा दिल भर कर शुक्र अदा करना जब तुम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। वो क्या? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। पिछले हफ्ते तुम्हारे मामू का इंतकाल हो गया है और इस कानून की रूह से तुम इस जायदाद के तनहा मालिक हो। अच्छा, क्या वाकई? और वो सलीम बाबा कहाँ हैं? मेरे इस सवाल को सुनकर जमाल खामोशी से कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, अब तुमसे असल बात छुपाना मुश्किल है। तुम्हारे मामू को सलीम बाबा खत्म करने में कामयाब हो गए मगर वो खुद भी इतना जख्मी हो गए कि जख्मों से ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौत का शिकार हो गए। सलीम बाबा की मौत का सुनकर मुझे गहरा सदमा हुआ। वो खुशगवार एहसास जो एक लम्हे पहले मेरी रूह में बेदार हुआ था फिर मुझे मायूसी के गहरे समंदर में गर्क कर गया। चंद रोज बाद मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होकर एक तवील अरसे बाद जमाल को अपने साथ खानदानी हवेली में जा पहुंचा। तकरीबन 15 दिन तक मैं अपने मिजाज के मुताबिक हवेली में मुख्तलिफ तब्दीलियां करता रहा। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ मुताले में मसरूफ था कि मुलाजिम ने एक मुलाकाती को आने की इत्तला दी। मैं सोच में पड़ गया। मुलाजिम से पूछा कि कौन है और कहां से आया है। साहब, उसने कहा है कि आप मुझे नहीं जानते मगर मेरा आपसे मिलना जरूरी है, मुलाजिम बोला। अच्छा, तुम इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। चंद लम्हों बाद जब मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो अधेड़ उम्र का शरीफ वजा कता सा आदमी मेरा मुंतजर था। मुझे ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर वो मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए उठा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और रस्मी अलैक सिलैक के बाद पूछा, फरमाइए मेरे लायक क्या खिदमत है। मैंने बड़े गौर से उसका जायजा लिया। उस अधेड़ उम्र अजनबी चंद लम्हे मेरी तरफ खामोशी से देखता रहा, फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, इस नाचीज को अनवर कहते हैं। मैं आपसे मिलने का शायक था। मैं ये देखना चाहता था कि जब अचानक किसी नौजवान को बड़ी जायदाद मिल जाती है तो इसमें क्या तब्दीलियां रूनमा होती हैं। फिर मैं आपका पड़ोसी भी हूँ, यहाँ से करीब ही मेरी रिहाइशगाह है। किसी दिन वहाँ तशरीफ लाइए और ये करीब खाने को इज्जत बख्शिए। मगर मेरी छठी हिस रह रह कर ये कह रही थी कि ये शख्स आया तो किसी और मकसद के लिए है मगर बात बनाने के लिए बेमायने बातों का सहारा ले रहा है। शक्ल से यह अधेर उम्र का शख्स मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैंने इनसे पूछा, क्या मेरे यहाँ आने से पहले भी आपका यहाँ आना जाना था? मैंने इसे कुरेदा, नहीं, मैं बहुत तन्हाई पसंद हूँ। आज खुदा जाने यकायक मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मिलूं और आपके पास चला आया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह आपने बहुत अच्छा किया जो इस नाचीज से मिलने की जहमत उठाई। मेरे घर के दरवाजे दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, मैंने फराख दिली का इजहार किया। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब इजाज़त दें। वो जाने के लिए खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद मेरा जहन उलझ कर रह गया। अनवर खतरनाक हो या ना हो मगर पुरसरार जरूर था। वो यूं ही अपना वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं आया होगा, मैंने सोचा। मैं सोचते सोचते एक इस्तराबी कैफियत में उठा और पाए बाग में आ गया। देर तक टहलता रहा फिर आकर बिस्तर पर दराज हो गया। मैं गहरी नींद में था कि अचानक मैंने अपने सीने पर किसी नरम शय का दबाव महसूस किया। मैं घबरा कर आंखें खोली। वो दबाव अभी तक मेरे सीने पर मौजूद था मगर ये किस शय का दबाव था? मैंने घबरा कर उठना चाहा तो यूं लगा कि मेरा जिस्म हरकत करने से महरूम हो चुका है। मेरा जिस्म फालिज ज़्यादा हो गया था मगर जहन बेदार था। मैंने अपनी पूरी कुव्वत इरादे से मुतअद्दिद बार अपने आज़ा को हरकत देना चाही मगर हर बार मेरी कोशिश नाकाम हो गई। सीने पर दबाव इतना ना था कि एकदम नाकाबले बर्दाश्त हो जाता मगर जिस्म के तमाम आज़ा हरकत से महरूम हो जाना क्या मायने रखता था। तकरीबन 10 मिनट इसी अजियत की कैफियत में गुजर गए। जहन में हजारों खदशात जन्म ले रहे थे। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि वो दबाव जो 10 मिनट पहले मेरे सीने पर था अब हट चुका था और रफ्तार रफ्तार मेरे अज़ा नॉर्मल कैफियत में आते जा रहे थे। मैं उठा। इस वक्त मुझे बहुत शदीद प्यास लग रही थी, हलक खुश्क था। मैंने जग से पानी उंडेल कर ग्लास होंठों से लगाया और एक ही सांस में पानी पी गया मगर अभी प्यास बुझी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहन्नुम की आग मेरे सीने में जल रही हो। दूसरा ग्लास पीने से अपने आप को पुरसकून महसूस किया और सिगरेट सुलगाकर दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ
बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी तमाम कहानियां आपको सबसे पहले सुनने को मिलें। और सोचो कि लामहदूद समंदर में उतरता चला गया। अचानक मेरे अंदर एक किस बीमारी ने जन्म लिया है जो एकदम मेरे जिस्म को फालिज ज़दा कर देती है। अब पहली फुर्सत में मुझे किसी डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। रात बहुत देर तक जागता रहा, सुबह देर से आंख खुली। जमाल मेरे इंतजार में नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे अपने करीब बैठा देखकर तंजिया लहजे में कहने लगा, अब तुम बड़े आदमियों की तरह मुझे नाश्ते की मेज पर इंतजार करवाने लगे हो। जवाब में मेरे चेहरे पर एक निढाल मुस्कुराहट नमोदार हुई। जमाल और चिढ़ गया, अब तुम मेरी बातों का जवाब देने की बजाय सिर्फ मुनफरिद अंदाज में मुस्कुरा कर रह जाते हो, आखिर तुम्हारे क्या इरादे हैं, इसने गुस्से से कहा। मैंने नरमी से उसे अपनी रात की कैफियत के बारे में बताया। हम दोनों एक काबिल डॉक्टर के पास गए। उसने 2 घंटे तक मेरे जिस्म के हर उज़्व का गहरा मुशाहिदा किया और कहा, ये कोई ऐसी बात नहीं जो तशवीश के काबिल हो। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझ में ऐसा कोई जिस्मानी नुक्स नहीं था जो फालिज की अलामत जाहिर करता हो, मगर जब रात के भारी और बोझल 10 मिनट मुझे याद आए तो मेरे जहन में नामालूम से खदशात सर उठाने लगे। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता पुरसरार होती जा रही थी। मैं मेडिकल स्टोर से दवा लेकर निकल रहा था कि दुकान पर अनवर साहब मिल गए। मुझे देखते ही कहने लगे, कहिए साहब, मिजाज ठीक हैं? मैं इनके अल्फाज से चौंक सा गया और उन्हें हैरत से देखने लगा। एक दोस्त के साथ जा रहा था, आप पर नज़र पड़ गई और हाल अहवाल के लिए चला आया, वो बोले। इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया, मैंने कहा और गाड़ी की तरफ चल दिया। रात के 3 बजे क्लॉक की टन टन की आवाज़ के साथ अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं एहतियातन मुलाजिम को हिदायत कर दी थी कि वो रात के 1-1 घंटे के वक्फे से मेरे कमरे में चक्कर लगाकर देख लिया करे, मुमकिन है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। आंख खुलते ही मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि जैसे मेरा वजूद आज भी कल की तरह हरकत से महरूम हो गया है, मगर कल की तरह मेरा जहन बेदार था। चंद लम्हे बाद मुझे लगा जैसे मेरी आँखें भी रोशनी से महरूम होती जा रही हैं। मेरी आँखें खुद बखुद बंद हो गईं, मेरे जहन के साथ मेरी समाअत बेदार थी। मैंने मुतअद्दिद बार आँखें खोलने की कोशिश करता रहा लेकिन दीगर आज़ा की तरह इसको भी हरकत देने से महरूम हो गया। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर बोलने की कोशिश की मगर आवाज़ ना निकल पाई। अचानक किसी के कदमों की मध्यम चाप मेरी समाअत से टकराई, उसके साथ ही एक अजीब सी खुशबू से सारा कमरा मुअत्तर हो गया। इस तेज़ खुशबू को महसूस करके मुझे अपना जहन तारीकियों में डूबता हुआ महसूस हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन अंधेरे की तारीकियों में डूब गया। जब दोबारा मेरा शऊर बेदार हुआ तो सूरज की किरणें मेरे कमरे में झांक रही थी। आंखें खोलते ही चंद लम्हात हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात के साथ अपने कमरे के दर दीवार को देखता रह गया। मैंने अपने हाथों को हरकत दी तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैं अपने हाथों को हरकत दे सकता हूँ। बाजुओं के सहारे उठा और बुलंद आवाज़ में मुलाजिम को आवाज़ दी। चंद लम्हों बाद जब मुलाजिम ने कमरे में झांका तो मैंने उसे गुस्सीली नज़रों से घूरते हुए डांटा, मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि रात भर हर 1 घंटे पर मेरे कमरे में झांक कर ज़रूर देख लेना क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मुमकिन है मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए, वो बोला। मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक रात 12 बजे के बाद हर 1 घंटे के बाद आपके कमरे में झांकता रहा। रात 3 बजे आपके कमरे से एक औरत निकली जो दुल्हन लग रही थी और पलक झपकते ही राहदारी का एक मोड़ घूमकर गायब हो गई, जैसे ही उसका वजूद हवा में बिखर गया हो। उसके गायब होते ही मैंने आपके कमरे में झांका, सारा कमरा इस तरह महक रहा था जैसे किसने परफ्यूम का स्प्रे किया हो। फिर अपने होठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट लाते हुए बोला, साहब, इतनी प्यारी दुल्हन पाने की मुबारकबाद देता हूँ। और फिर वो कुछ कहते कहते अचानक रुक गया। मैं हैरत से उसकी दास्तान सुन रहा था, सोच में पड़ गया। मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि इस कमरे में किसी दुल्हन का वजूद था, तो ये भी मुमकिन है कि खुशबुओं में नहाई हुई दुल्हन को और लोगों ने भी देखा होगा। और फिर मैंने नींद में डूबते हुए किसी के कदमों की चाप के साथ एक तेज किस्म की खुशबुओं को भी महसूस किया था जिसने मुझे गफलत की नींद सोचाने पर मजबूर किया था। चंद लम्हों बाद मैं बोला, जाओ और जमाल को बुला कर लाओ। मेरा जहन मुसलसल उलझनों की दलदल में धंसता जा रहा था। अचानक जमाल के कदमों की मानूस चाप सुनकर मैं चौंका। वो आते ही बेतकल्लुफी से मेरे बिस्तर पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, इस नाचीज़ को कैसे याद किया? मैं गुस्से से बोला, पहले तुम मुझ पर अपने तंज के जहरीले नश्तर चला लो, फिर उसके बाद ही मैं कुछ कहूँगा। अरे यार, तुम तो दिन ब दिन कितने हसास होते जा रहे हो, मामूली सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने पुरखलूस लहजे में गिला किया। मेरी बात बहुत संगीन है और संजीदगी से पूरी तवज्जो चाहती है, अगर तुम भी अभी तक तफरी के मूड में हो तो फिर जाओ, किसी और वक्त आना और ज़्यादा परेशान ना करो, मैंने कर्ब से भरी हुई आवाज़ में कहा। जमाल यकायक संजीदा हो गया, माफ़ करना, शायद मेरे मजाक से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है, अब मैं पूरी तरह संजीदा हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना है फ़ौरन कह दो,
क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। उसे संजीदा पाकर मैंने सारे हालात उसे सुना दिए। इन तमाम वाकयात को सुनकर वो रहम अंगेज नजरों से मुझे देखता रहा, जैसे उसे मेरी जहनी सेहत पर कोई शक हो। तमाम वाकयात सुनने के बाद कहने लगा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मुझे यकीन नहीं आ रहा, जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है। जमाल, मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं इस वक्त जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूँ सच है। अगर यकीन नहीं तो मुलाजिम को बुलाकर पूछ लो। जमाल ने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने आते ही रात का तमाम वाकया इस तरह बयान कर दिया जैसे वो मुझसे पहले बयान कर चुका था। जमाल ने तमाम वाकयात सुनकर कहा कि वह अचानक तुम्हारी नज़रों के सामने से गायब हो गई। तुमने इसे तलाश नहीं किया? साहब, मैंने हवेली का कोना कोना छान मारा, हवेली के गेट तक देख लिए, मगर इस दुल्हन का पता ना चला, उसने जवाब दिया। मुलाजिम के जाने के कुछ देर बाद जमाल बोला, माफ़ करना यार, इस जदीद दौर में किसी ऐसी क़ुव्वत का वजूद मानने के लिए मेरा जहन अभी तक तैयार नहीं है। मैं 2 रोज़ से अपनी पुरस्कार बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूँ, और ये पुरस्कार दुल्हन नाजिल हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को। नाश्ते के दौरान जमाल ने कहा कि आज से तुम मेरे कमरे में सोया करो, मैं भी तो देखूं कि आखिर वो क्या शय है। नाश्ता करने के बाद मैंने जमाल के साथ डॉक्टर की जानिब रवाना हो गया। आज मैंने अपना डॉक्टर बदल दिया था। मेरा ख्याल था कि पहले वाला डॉक्टर मेरी सही तशखीस ना कर सका, मगर दूसरे डॉक्टर का तजिया भी पहले वाले डॉक्टर से मुख्तलिफ ना था। डॉक्टर के पास से वापसी पर सारा दिन हम दोनों परेशानी से इस उलझन का हल तलाश करते रहे। पाई बाग में चाय पी रहे थे कि अचानक मेरी कुव्वत शामा ने फिर से किसी तेज खुशबू को महसूस किया। मैंने सवालिया नजरों से जमाल की तरफ देखा। खुशबू इस कदर तेज थी कि मुझे इस बात का यकीन हो गया कि जमाल भी इसे महसूस किए बगैर नहीं रहा होगा। शायद तुम्हारी सुनाई हुई दास्तान हकीकत की हदों को छू रही है। उफ मेरे खुदाया, ये खुशबू किस कदर तेज है, जैसे किसी ने बाग में परफ्यूम का छिड़काव किया हो। और फिर वो जुमला मुकम्मल ना कर सका, अचानक मेरी तरह उसकी नजरें भी खुलते हुए दरवाजे की जानिब उड़ गईं। अचानक खुशबुओं में नहाई हुई दुल्हन हमारी नजरों के सामने खड़ी थी। इसे देखते ही मेरा जहन हैरत की शिद्दत से सुन हो गया। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर 2 दिन पहले की तरह अपने जिस्म के तमाम आज़ा को हरकत देने से महरूम हो चुका था। मैंने सोचा कि अपनी नजरें उसके दिलफरेब सरापे से हटाकर जमाल की जानिब देखूं, ताकि उसके हुस्न का सहर टूट जाए, मगर नाकाम रहा। ये ख्वाहिश दिल ही दिल में रह गई कि दोनों में से कोई इससे दरियाफ्त कर सकता कि वो कौन है। बावजूद मुतअद्दिद बार कोशिश के मैं अपने आज़ा को हरकत ना दे सका। खबर नहीं कितने ही लम्हात यूं ही बेहिस्सो हरकत गुजर गए कि अचानक उसके होठों को जुम्बिश हुई, मगर जो कुछ उसने कहा वो मेरी समाप्त की गिरफ्त में ना आ सका। बेबसी से एक साकित बुद्ध की मानिंद उसे देखते रहने पर मजबूर था। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के पर्दे नींद से भारी होकर बंद हो रहे हैं। चंद लम्हात बाद मुझ पर गफलत की नींद तारी हो गई। जब आंखें खुली तो अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ा था। मेरे इर्द गिर्द अद्वियात की बू फैली हुई थी। रात के सन्नाटे में रोशनी एक अजीब पुरसरार माहौल पैदा कर रही थी। चंद लम्हे बाद आंखें खोली तो हैरान हैरान नजरों से मैं चारों तरफ देखता रहा। हलक में कड़वाहट सी थी। मेज पर रखे पानी के जग को मुंह लगाना ही चाहा था कि अचानक किसी ने गैब की छड़ी लहराई और पानी से भरा जग मेरे हाथों से निकलकर फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गया। मैंने गुस्सेले अंदाज में इस छड़ी को लहराने वाले की जानिब देखा तो एक लम्हा उसे हैरत से देखता रह गया। वो अनवर था, वो पुरस्कार इंसान जो पहले भी 2 मरतबा मेरा वक्त जाया कर चुका था। तुमने मेरे घर आकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने गुस्सीली नजरों से उसे घूरा। ये बात तुम अपनी गिरह में बांध लो कि जब तक तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करोगे दुनिया का हर सुख चैन तुमसे दूर रहेगा। जरा अपने माजी को टटोलो, ये बात तुम पर वाजे हो जाएगी कि कोई ना कोई ऐसा हादसा जरूर तुम्हारी जिंदगी में रूनुमा हो रहा है जिसने तुमसे जिंदगी का हर सुख चैन छीन लिया है। तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी बीवी मेरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावटें थी जिनको मैं ऊपर पहुंचा चुका हूँ, और तुम्हारी मुलाजमा मेरे रास्ते में आ गई, लिहाजा उसे भी ठिकाने लगाना पड़ा। और इसी तरह मैं तुम्हारे जिगरी दोस्त जमाल को भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। तुम इस वक्त तक पुरस्कार बीमारी में मुबतला रहोगे। अगर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। अगर क्या? जरा इसकी भी वजाहत हो जाए, मैंने कहा। अगर तुमने मजहबी अकायद के मुताबिक मेरी बेटी से शादी न की, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। शादी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ शादी, मेरी हसीन बेटी शमा से शादी, जो बरसों से तुम्हारी राह देख रही है। कहीं तुम इस पुरस्कार दुल्हन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो जिसे देखकर मेरी जिस्मानी कुव्वत खत्म हो जाती है? हाँ वही, जिसे तुम और जमाल भी देख चुका है। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे आदमी को मैं क्या जवाब दूं जो अपनी हसीन और जमील बेटी की शादी के लिए खून के दरिया से भी गुजरने को तैयार था। मगर मोहतरम, आपकी बेटी दुनिया की हसीन तरीन औरत सही, मगर फिर भी ये कुछ अच्छा मालूम नहीं होता कि जबरदस्ती इस मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की जाए।
ये सिर्फ इसलिए है कि अभी तक कुछ बातें पर्दा राज में रही। एक हसीन औरत तुम्हारी दुल्हन कहलाना चाहती है, उसने जवाब दिया। बात कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी से पहले मैं तुम्हारी बेटी से एक मुलाकात कर लूँ? मेरा ख्याल था कि वो मुलाकात का मौका देने की बजाय इससे गुरेज करेगा। मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि तुम मेरी बात मान लो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बेकार अपने आप को इधर उधर उलझा रहे हो। ये भी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी सिफारिश कर रही है। इसकी पुरजोर सिफारिश है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज तुमसे खुल कर बात कर रहा हूँ। मैं इस मशवरे पर गौर करूँगा। आप फिर किसी वक्त तशरीफ़ ले आइएगा, मैंने लापरवाही से कहा। मेरी इस बात को सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए और वो गुस्से की हालत में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही मुझे यूं लगा जैसे मुझ पर फिर अचानक नकाहत ने गलबा पा लिया है। एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे मेरी जिस्मानी हालत बिगड़ रही है। मैं घबराकर बिस्तर पर लेट गया। इससे पहले कि मैं जमाल को अपनी और अनवर की पुरसरार गुफ्तगू से आगाह करता, मेरा जहन तारीखियों में डूबता हुआ महसूस हुआ। हर तरफ से एक अथाह तारीखियों का समंदर मुझे निगलने के लिए बढ़ रहा था। एक बार फिर मेरे कमरे में तारीखी झांक रही थी और बाहर सूरज का सफर खत्म करके मगरिब के किसी कोशे में रूपोश हो रहा था। मैं आंखें बंद किए पड़ा था कि अचानक एक मुलाजिम ने अंधेरा पाकर मेरे कमरे में लाइट ऑन कर दी और चला गया। अचानक मेरे जहन के पर्दों पर इस शरीफ सूरत बूढ़े का चेहरा उभरा जो अपनी बात मनवाने के लिए मुझ पर कोई सहर तारी कर रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि अपनी बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र मुझे इसकी बात मानना ही पड़ेगी। इस फैसले पर पहुंचकर मैंने खुद को पुरसकून महसूस किया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मेरे मुलाजिम ने अनवर के आने की इत्तला दी। उसके आने की इत्तला पाकर मुझे इसकी पुरसरार कुव्वतों को मानना पड़ेगा। खुदा जाने ये अजीब करीब इंसान कौन सी कुव्वतें अपने अंदर पोशीदा रखता है। वो आते ही कहने लगा, मुझे यकीन है कि तुम किसी फैसले पर पहुंच गए हो, उसने एतमाद भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। कोई रास्ता ना पाकर मुझे अपनी रजामंदी का इजहार करना पड़ा। वो मुझे राजी देखकर बहुत खुश हुआ। तो ये नेक काम आज ही हो जाना चाहिए, वो बोला। इतनी जल्दी क्यों? शादी ब्याह कोई गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं, मैंने जल्दी से कहा। शाहिद साहब, ये बात पहले भी मैं तुमसे कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, तुम्हारी शादी हमारे रस्म व रिवाज के मुताबिक होगी। उसने अपनी बात पर जोर दिया मगर अभी तो इसके मुँह से आग की चिंगारियाँ फूटती हुई महसूस हुई। दफातन ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म फैल रहा हो मगर जल्द ही नॉर्मल हो गया था। चंद लम्हों के बाद अनवर ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए कहा, चलो अब चलते हैं। मैं सहर ज़्यादा पुतले की मानिंद खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। वो हवेली के सदर दरवाजे की तरफ जाने की बजाय हवेली के पीछे की जानब चल पड़ा। चलते चलते मुलाजमीन की एक कोठरी के सामने आ गया जो मेरी मालूमात के मुताबिक एक तवील अरसे से गैराबाद थी। उसने किवाड़ों को धक्का दिया और मुझे अंदर ले गया। अंदर एक दीवार के साथ नसब कुंडे को बाहर की जानब खींचा। दीवार में खला पैदा हो गया और सीढ़ियाँ नजर आने लगी। ये मंजर देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। ये हवेली सदियों से हमारे खानदान की मिल्कियत चली आ रही थी और किसी को आज तक ये खबर न हो सकी कि कोई तहखाना भी यहाँ है। वो चंद हमें रुकने का इशारा करके सीढ़ियाँ उतरकर अंधेरे में गायब हो गया। जब नमोदार हुआ तो उसके हाथ में दो रोशन मशालें थीं। एक मेरे हाथ में देते हुए वो बोला, आओ, और सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ काफ़ी गहराई तक चली गई थीं। फर्श पर पाँव रखते ही एक अजीब व गरीब खुशबू का एहसास हुआ जैसे अंबर सुलग रहा हो। फिर अचानक मुझे याद आया कि वो भी इसी तरह की खुशबू थी जब एक खूबसूरत औरत दुल्हन के रूप में मेरे और जमाल के सामने आई थी। इसके साथ ही एक अजीब व गरीब सा सन्नाटा मुझे अपनी हड्डियों में उतरता हुआ महसूस हुआ और अनजाना सा खौफ रूह के हर गोशे में गूंजने लगा। तहखाना बहुत वसी मालूम हो रहा था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए हम एक हॉल नुमा कमरे में पहुँच गए जहाँ हर तरफ अंबर की तेज़ खुशबू फैली हुई थी मगर इस बार ये खुशबू मेरे हवासों पर ना छा सकी। हमारे रुकते ही खुशबू और धुओं में इजाफा हो गया। एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे मैं फिर हवास खो रहा हूँ मगर फिर जल्द ही संभल गया। अनवर मेरा हाथ पकड़े हॉल में आ गया। फिर अचानक एक हौलनाक करीह मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया जिसके पेट में एक आतिश दान दहक रहा था। मुझे रुकने का इशारा करते हुए अनवर इस दहकती आग में उतर गया और आग के दहकते शोलों में कहीं जाकर गायब हो गया। जब वो दोबारा नमूदार हुआ तो खुशबुओं में लिपटी हुई एक सुर्ख अंगारे की तरह दहकती हुई दुल्हन आग के इस आतिशदान से अनवर के हमरा इस आग से बाहर कदम रख रही थी। मैंने हैरत और खौफ की शिद्दत से अपनी दोनों आंखों को जोर जोर से मसला। एक लम्हे के लिए मुझे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था मगर नहीं, वो दोनों वाकई जलते हुए आतिशदान से निकल कर मेरे बराबर खड़े थे। मेरी नज़रें इस दुल्हन के चेहरे की जानेब उठी जिसमें दहकते अंगारे की तपिश थी। अनवर इसे मेरे करीब खड़ा करके एक बार फिर लपक कर आतिशदान में घुस गया और दोनों हाथों में दहकते हुए अंगारे उठाकर ले आया।
शमा और तुम दोनों इस मुकद्दस हाथ पर हाथ रखकर इस बात का अहद करो कि दोनों हमेशा एक दूसरे के वफादार रहोगे। शमा ने अपना हाथ बढ़ाकर दहकते हुए अंगारे पर रख दिया और कहा, कसम है मुझे इस आग की जो दिल से रोशन है और हमेशा रोशन रहेगी, मैं इस मुकद्दस आग की कसम खाकर कहती हूँ कि अपने साथी की हमेशा वफादार रहूंगी। और इसके कहते ही अचानक मैंने इस्तेराबी तौर पर अपना हाथ पतलून की जेब में डाल लिया। अचानक मेरे हाथों में हमायल शरीफ आ गई, मगर इतनी ही में अनवर मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। इसने मुझे इशारा किया कि मैं भी इस आग पर हाथ रखकर शमा के साथ वफादार रहने का अहद करूं। मैंने अपना खाली हाथ शमा के हाथ पर रख दिया, जिसने अभी तक अनवर के हाथों में थामे हुए अंगारे पर अपना हाथ रखा हुआ था। अभी मेरा हाथ शमा को छूने की देर थी कि अचानक एक तेज और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और इस धमाके के साथ ही दो शोले उड़कर फिजा की तरफ लपके और साथ ही वो दोनों खौफजदा अंदाज में पीछे हट गए। मगर इस अरसे में दोनों के जिस्मों को आग लग चुकी थी, वो दोनों आग की लपेट में आकर जल रहे थे। अचानक ही आग ने शिद्दत पकड़ ली, मेरा सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। मैं खौफ से एक तरफ सहमा हुआ इस हौलनाक मंजर को देख रहा था। देखते ही देखते दोनों की लाशें जल कर कोयले की तरह स्याह हो गई। मैं इस खौफनाक मंजर से घबरा कर लड़खड़ाते हुए कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर कोठरी में आ गया, जहाँ एक और इंकशाफ मेरा मुंतजर था। सीढ़ियों के करीब एक कोने में खड़े सलीम बाबा मुझे घूर रहे थे। क्या आप सलीम बाबा हैं? मैंने बौखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ जो जब तक जिंदा रहा हमेशा अपने मालिक की हिफाजत करता रहा और बिलआखिर हक नमक अदा करते हुए मौत की संगीन वादियों में खो गया। उन्होंने गमजदा लहजे में जवाब दिया, अगर आप मर चुके हैं तो जिंदा कैसे हो गए? मैंने हैरत से पूछा। इस कायनात के राज इंसानों की नज़रों से ओझल रहे हैं, उन्होंने पुरसरार अंदाज में जवाब दिया। खैर छोड़े, सलीम बाबा ने कहा, लाओ वो हुमायूं शरीफ मुझे वापस लौटा दो, जिसकी बरकत से तुम शैतान के पुजारियों को इनके असल मुकाम तक पहुंचा दिया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, मैंने उलझते हुए पूछा। मतलब ये कि मैंने वो हुमायूं शरीफ अपने मुर्शिद के कहने के मुताबिक तुम्हें दी थी जब तुम शैतानों के किले के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, सलीम बाबा बोले। अब ज्यादा सोचकर अपने जहन को परेशान ना करो, तुम ये समझ लो कि तुम्हारे लिए यही फर्ज था जिससे तुम सुबुकदोश हो गए। यह हुमायूं शरीफ की बरकत थी कि वो आतिशी मखलूक तुम्हारे हाथ का लम्स पाकर ही जहन्नुम रसीद हो गई, और इसके साथ ही एक सदी का वो शैतानी खेल भी ख़त्म हो गया जिसने तुम्हारे ख़ानदान पर अपनी नहूसतों का साया डाल रखा था। मैंने बेख्तियार वो हुमायूं शरीफ सलीम बाबा के हाथ में पकड़ा दी। हुमायूं शरीफ थामते ही सलीम बाबा बोले, जाते जाते ये नसीहत ज़रूर करूँगा कि आज के बाद तुम ये हमेशा के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी इस हवेली में शैतान के पुजारियों का कोई खुफिया मस्कन था, और अगर तुम दोबारा जाकर इसने खाने का रास्ता तलाश करोगे तो ये निशानात मिट चुके होंगे। मुझे हैरत ज़दा छोड़कर सलीम बाबा तहखाने में उतर कर कहीं गायब हो गए और ज़मीन बराबर हो गई। इसके बाद मैंने और जमाल ने मुतअद्दिद बार कोशिशें की, मगर हर दफ़ा नाकामी हमारा मुकद्दर ठहरी और हमें तहखाने का दरवाज़ा ना मिल सका।